आपको बता दें कि बारिश का मौसम है इस वक्त और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में गजब का उत्साह है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भूमि पूजन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले अयोध्या राम रंग में डूब चुकी है। क्या कुछ तैयारी है भूमि पूजन की और प्रधानमंत्री के स्वागत की, एक रिपोर्ट के जरिए आइए आपको दिखाते हैं। भारी सज गई अयोध्या सारी, भूमि पूजन की भव्य तैयारी, श्री राम आई शुभ घड़ी, पधारेंगे अवध बिहारी। मंगल से होगी मंगल शुरुआत, अयोध्या उत्सव के रंग में रंगी है, कहीं गूंज रही है राम धुन। तो कहीं राम नाम के झंडे और पताके फहरा रहे हैं, राम भक्तों का उत्साह चरम पर है। यही वजह है कि भूमि पूजन के कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल हुआ तो भक्त निराश नहीं हुए, बल्कि विश्वास के साथ और उत्साह से भर गए कि अब मंगल से होगी राम मंदिर निर्माण के मंगल कार्य की शुरुआत। दरअसल अयोध्या में भूमि पूजन 5 अगस्त को होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त यानी रविवार से होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इसे टाला गया और अब इसकी शुरुआत 4 अगस्त यानी मंगलवार को हनुमान गढ़ी से होगी। सबसे पहले हनुमान जी के निशान की पूजा होगी, जिसमें राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इसके बाद अगले दिन होगा भव्य मंदिर के लिए भव्य भूमि पूजन, जिसमें खुद देश के पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। भूमि पूजन और पीएम मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में अब 2 ही चीज नजर आती है, सुरक्षा में तैनात जवान और भगवान राम और उनकी भक्ति के निशान। कहीं एक ही रंग से सज्जित हो रहे अयोध्या के भवन नजर आते हैं, तो कहीं पत्थर पत्थर पर दिखता है एक ही राम, राम बस राम। घड़ियाँ आई हैं जिसके लिए हम लोग कई पीढ़ियों से इंतजार करते आ रहे थे, आज ये घड़ी हम सबके सन्निकट आ चुकी है। और जो ये तरासे हुए जो पत्थर आपको दिख रहे हैं, ये आस्था पत्थर नहीं है, ये भगवान श्री राम से जुड़ी हुई आस्थाएं हैं। ये जो शिलापट रखी हैं, ये भगवान श्री राम के, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि रोम रोम है, इनमें भगवान श्री राम रोम रोम बसते हैं। राम मंदिर के निर्माण के लिए तैयारियां सालों से चल रही हैं, लेकिन अयोध्या पर आए सुप्रीम फैसले और फिर भूमि पूजन की तारीख तय होने के बाद इसमें और तेजी आ गई। नए मॉडल के मुताबिक राम मंदिर अब और भव्य और विशाल होगा। दुनिया के सबसे बड़े बनने वाले राम मंदिर के लिए पहली मंजिल तक के तो पूरे पत्थर भी तैयार हैं। एक मंजिला का पत्थर तैयार हो गया है, नीचे वाला एक मंजिला पत्थर तैयार हो गया है। जैसे ये आपका है गर्भगृह पत्थर है, ये वो उधर बीम का पत्थर रखा हुआ है, उधर छत का पत्थर रखा हुआ है, उधर आपके न्यू का पत्थर रखा हुआ है, उधर पिलर रखा हुआ है, इधर पिलर खड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हमारा एक मंजिला का पूरा पत्थर तैयार है। अयोध्या सज धज कर तैयार है, हर ओर एक अलौकिक छटा नजर आती है। राम भक्तों का उत्साह और उल्लास देखते ही बनता है। भूमि पूजन में अब बस कुछ घंटों की देरी है, लेकिन उससे पहले ही पूजन कीर्तन और रामधुन से मानो पूरी अयोध्या विभोर है और हर ओर बस राम नाम का शोर है। अयोध्या से विकास चंद्रा और विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज। प्रधानमंत्री 5 तारीख को साकेत महाविद्यालय उतरेंगे, उसके बाद वहां से सड़क मार्ग से वो राम जन्मभूमि जाएंगे जहां पर भूमि पूजन की शुरुआत करेंगे। उनके सम्मान में 50,000 कलश लगाए जा रहे हैं और ये कलश साकेत महाविद्यालय से लेकर के जहां पर राम जन्मभूमि है जहां तक जाएंगे वहां तक रखे जाएंगे। एक रिपोर्ट के जरिए आइए ये भी दिखाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले अयोध्या को सिर्फ सजाया सवारा ही नहीं जा रहा है, पूरे अयोध्या नगरी को राममय किया जा रहा है।
और इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिधर जाएं उधर उन्हें राम के दर्शन हों और शुभ चीज़ों के दर्शन हों। इसलिए मंगल कलश की भी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर 5100 मंगल कलश तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी हेलीपैड पर उतरने के बाद जिन रास्तों से राम जन्मभूमि की ओर जाएंगे उन रास्तों पर इस मंगल कलश को लगाया जाएगा। फिलहाल यहाँ 5100 मंगल कलश तैयार किए जा रहे हैं। 3 और 4 के सेट में मंगल कलश को लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एक सेट तैयार कर रखा गया है। इसी तरीके से सड़क के किनारे जल भर के इन मंगल कलश को स्थापित किया जाएगा। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक मंगल कलश देखने के बाद सभी काम सिद्ध होते हैं, यात्रा शुभ होती है और सब मंगल ही मंगल होता है। तो यानी जहां प्रधानमंत्री मोदी उतरेंगे यानी साकेत विश्व महाविद्यालय से लेकर के राम जन्मभूमि तक इस कलश को स्थापित किया जाएगा। तमाम मजदूर लगे हुए हैं, मंगल कलश की तैयारी चल रही है। अयोध्या में कई ऐसे स्थान हैं और भी वहाँ पे मंगल कलश दीप सबकी तैयारी चल रही है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा और इसी के लिए कल मथुरा से पवित्र रज और पवित्र जल भेजा गया था। ये जो रजत शिला है जिसको आज हमारे धर्म रक्षा संघ के सभी पदाधिकारी, हमारे धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक स्वामी रुद्रदेवानंद जी महाराज, बांके बिहारी मंदिर के सेवाद गोपेश गोस्वामी जी सब लेके आए हैं, तो ये ब्रज की रज से बनी हुई, पवित्र रज से बनी हुई, इस वहाँ पे सभी अलग अलग नंदगांव वरसाना गोकल गोवर्धन दाऊ जी वृंदावन मथुरा सब जगह से रज लेकर। तो अमंगल मिटने वाला है, मंगल आने वाला है, क्योंकि अब प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है और इसके लिए प्रधानमंत्री 5 तारीख को लौट रहे हैं। जश्न की तैयारी है, पूरा अयोध्या इस वक्त उत्सव में डूबा हुआ है। क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में, एक रिपोर्ट के जरिए ये भी देखिए। रंग में रंग गई बच गई दीवार, राम लला करेंगे नव रत्नों से श्रृंगार। दिव्य महोत्सव की सबसे भव्य, राम की भक्ति में डूबकर अयोध्या की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। श्री राम जन्मभूमि के आसपास सिर्फ एक ही रंग दिखाई दे रहा है और वो रंग है पीला रंग, बिल्कुल राम लला के माथे पर लगे चंदन जैसा शीतल पीला रंग। ये पीला रंग अयोध्या को और दिव्य बना रहा है। जन्मभूमि के आसपास येलो जोन बनाया गया है। पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, इसलिए अयोध्या को पीले रंग से रंगना ईश्वर के रंग में रंगने जैसा है। हिंदू परंपरा में पीले रंग का इस्तेमाल धार्मिक अनुष्ठान और विद्या के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए अयोध्या में जहां तक नजर जा रही है सिर्फ पीला रंग दिखाई दे रहा है और इसी रंग के साथ पूरा अयोध्या रामलला के रंग में सराबोर हो गया है। अयोध्या के घर घर में अखंड रामायण बैठाई गई है। जहां से भी निकलिए अयोध्या में रामचरितमानस की चौपाइयां और राम लला के भजनों की गूंज सुनाई देगी। अयोध्या वासियों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष स्वरूप श्री राम चाहिए था, तो ये हुआ कि अकेले रामलला जी का दर्शन होगा क्या? बोले नहीं, अरे चारों का होगा। आ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, आ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, राम लक्ष्मण कौशल्या सुमित्रा, सुमित्रा कौशल्या के कई सुमित्रा, पुन पुन लेत भैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया।
साल जय हो घर घर बंधन वार पताका। टीम न्यूज़ स्टेट। और भगवान श्री राम की अगर बात हो, हनुमान जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अगर हनुमान जी को खुश करना है तो भगवान राम का नाम लीजिए। इसलिए प्रधानमंत्री जब 5 तारीख को साकेत महाविद्यालय उतरेंगे, हेलीपैड से सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे, बजरंगबली के दर्शन करेंगे। आखिर हनुमान जी के इस मंदिर को हनुमानगढ़ी क्यों कहा जाता है, हनुमान का गढ़ क्यों कहा जाता है, इसकी महत्ता क्या है, ये भी देखिए। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। राम कथा के सबसे अहम किरदार हैं हनुमान। श्री राम के हृदय के सबसे करीब हैं हनुमान, क्योंकि उनके हृदय में राम जो बसते हैं। हनुमान सा जग में दूजाना, राम सिया की युगल छवि। फिर राम की प्रिय अयोध्या में उनके सबसे प्यारे भक्त हनुमान की निशानी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। हनुमान जय महावीर, राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी को राम राम कहियो जी हनुमान। श्री राम के अयोध्या अध्याय में राम की निशानी के तौर पर मौजूद है एक और खास स्थान हनुमानगढ़ी, जिसकी महिमा सनातन परंपरा में सुनी सुनाई जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भगवान राम के जितने भी अयोध्या और उसके 84 कोस में स्थान है, सारे स्थान त्रेता योगीन है। हनुमानगढ़ी भी त्रेता योगीन है। आप मंदिर में जिधर भी जाएँ, आपको राम नाम और रामायण की पंक्तियाँ लिखी हुई आपको मिल जाएंगी। राम रक्षा स्तोत्रम हो या हनुमान चालीसा हो, हनुमान जी की आरती हो, हनुमान बाहुक हो, संकट मोचक हो, यानी पूरे हनुमानगढ़ी में आप जिधर भी जाएं, आपको राम नाम, रामचरितमानस, रामायण, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका की पंक्तियां आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। हनुमानगढ़ी यानी हनुमान का किला राम भक्त का स्थायी ठिहा है। यहाँ तक कि अयोध्या कई बार बनी और बिगड़ी, लेकिन राम भक्त के इस गढ़ को वक्त भी भेद न सका। भगवान ने तो पहले ही कह दिए कि भाई हम तुम समता तो ऋणमय नहीं। तो हनुमान जी महाराज को उन्होंने क्या किया कि अयोध्या का ही राज तिलक दिया, अयोध्या का ही राजा उन्होंने बनाया। और वो भी आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, राम दुआरे तुम रखवारे हो तो न अज्ञा बिन पैसारे। अयोध्या में अगर राम से जुड़ी निशानियों के दर्शन करने हो तो पहले अयोध्या के रक्षक से अनुमति लेना जरूरी है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए भक्त अयोध्या में श्री राम सीता के दर्शन से पहले हनुमान के दर्शन करते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, दीनो लोक हाकते कापे। रामायण में कथा आती है कि स्वधाम जाने के पहले भगवान राम ने हनुमान जी का तिलक किया, यानी राज तिलक किया, और अयोध्या का रक्षक और राजा बनाकर यही उन्हें रख दिया। तब से ये स्थान यानी त्रेता युग से लेकर आज तक लोगों की आस्था का केंद्र है। सबसे पहले दर्शन यहीं पर किया जाता है और यहीं से आज्ञा लेकर फिर राम जी के दर्शन के लिए जाया जाता है। त्रेता युग से लेकर आज तक अयोध्या जी में हनुमान जी का स्थान वही हनुमानगढ़ी है। अयोध्या से विकास चंद्रा के साथ